गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। हम और आपकी हमारी टीम जो है, पूरी टीम आपके लिए रोज 12 घंटे का कंटेंट लेके हम आपके लिए आ रहे हैं अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो पे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी फटाक से सब्सक्राइब कर दो। हम इसमें एक यूनिक सीरीज आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी रिव्यू की, जो आपके एनसीईआरटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके नीट और एम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट टू। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, जो आपके बोर्ड और नीट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं किए हो तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे आपको मेरे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, तो जो भी क्लासेस होती है उनके अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ऐप को अभी फटाक से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, बाकी आपको मैं यूट्यूब पे 2 घंटे रोज पढ़ाता हूं। सुबह 10 AM पे आपकी नीट स्कोर बूस्टर की क्लास होती है, एंड रात में 7 PM पे आपकी जो है वो एनसीईआरटी रिव्यू होता है। तो बिल्कुल दोनों कोर्स आपके लिए अटेंड करना बहुत जरूरी है। एक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करेगा, दूसरा आपको बताएगा कि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। गाइज, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी MBBS वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और मैं यहाँ पे आपको नीट और एम्स के लिए पढ़ाता हूँ। राइट, तो चलो मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे पढ़ाता हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पे आपको और सारे बेनिफिट्स एंड फीचर्स मिल जाते हैं। क्या क्या बेनिफिट एंड फीचर्स मिलते हैं आपको? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेल मिलता है, लाइव क्लासेस मिलते हैं, एंड पर्सनलाइज लर्निंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे कॉम्पोनेंट आपको अनअकैडमी प्लस पे मिल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है। अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और एम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पे जरूर आए। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। एक मेरा कंप्लीट कोर्स फॉर ड्रॉपर चल रहा है, एक हमारा बैच कोर्स चल रहा है रोहित माधव सर, दीपक वशिष्ठ सर और मेरा, जो आपके नीट और एम्स के लिए इतना अच्छा कोर्स मॉड्यूल हमने बनाया कि कम टाइम में आप नीट और एम्स में 600+ मार्क्स कैसे लाएं। हम इंश्योर करने आपका सिलेबस हम दिसंबर तक खत्म कराएंगे, ताकि बाय द टाइम ऑफ मार्च एंड अप्रैल आपका 2-3 बार रिवीजन भी हो जाए। तो अगर आप प्रॉपरली ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हो प्लस में, तो आपका नीट में 600+ कहीं नहीं गया, आराम से नीट में 600+ आएगा। प्लस आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी पे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर प्लांट फिजियोलॉजी पे कोर्स लो, तो मैं प्लांट फिजियोलॉजी पे भी आपकी एक क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है गाइस, तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस पे जाओगे, प्लस पे जाके आप गेट सब्सक्रिप्शन करोगे, और यहाँ पे आपको 7 डे ट्रायल का भी ऑप्शन है। गेट सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 7 डे ट्रायल का भी ऑप्शन है। तो अगर आप देखना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म कैसा है, तो आप 7 डे ट्रायल ले सकते हैं। आप 7 डे ट्रायल लेके देखें कि आपको प्लेटफॉर्म कैसा है, इंटरफेस कैसा है, कितना अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और इतना अच्छा इंटरेक्शन होता है, मतलब इट इज अ टू इंटरेक्शन। तभी के तभी आपके सारे डाउट एड्रेस हो जाते हैं, छोटा बैच साइज है, प्लस आपको जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा का प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो आप 7 डे ट्रायल जरूर लें, और अगर आपका ट्रायल खत्म हो जाए तो उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन पे आए। सब्सक्रिप्शन पे आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 मंथ का प्लान लेना है। 12 मंथ का आपने प्लान लिया, 12 मंथ का प्लान लेके आप पे करोगे तो अमाउंट आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज। यहाँ पे आपको 25,000 रुपीज पे नहीं करना, आपको ये कूपन कोड यूज करना है आनंद, एंड यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। जैसे ही आप ये कूपन कोड आनंद यूज करोगे, यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, एंड द इफेक्टिव अमाउंट विल बी 22,500। प्लस अगर आप मेरे कूपन कोड से एनरोल करते हो तो यू विल गेट माई कॉपी ऑफ एनसीईआरटी एक्स्ट्रा, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू स्कोर फुल मार्क्स इन नीट एंड एम्स बायोलॉजी। राइट, बाकी अगर 2 ईयर प्लान लेते हो तो 2 ईयर प्लान आपका लगभग 1600 के आसपास पर मंथ का पड़ता है, एंड दैट इज अप्रोक्सिमेटली 40,000 इफेक्टिव प्राइस जो हो जाएगा 2 ईयर प्लान का, दैट इज आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर यूजिंग दिस कूपन कोड आनंद 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड द प्राइस विल बी 36,000 रुपीज। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? चलो ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो क्या क्या पढ़ा था हमने? टेम्परेचर सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर है, उसके बाद था वाटर, उसके बाद था लाइट, एंड लास्ट था सॉइल, दैट वाज द 4th मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर। तो अब
इन एबायोटिक फैक्टर पे ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। ये एनसीईआरटी रिव्यू है तो एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग करेंगे। एनसीईआरटी में कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मैं आपको इन लेक्चर से बताता हूं, तो आप इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं, सेम पीडीएफ को आप एनसीईआरटी के बदले यूज कर सकते हो, तो इसमें एग्जैक्टली उतना कंटेंट होगा जो आपके नीट और एग्जाम एम्स एग्जाम के लिए चाहिए, एकदम प्रिसाइज कैप्सूल कंटेंट होगा जो आपके नीट और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग फैक्टर पे रिस्पॉन्ड कैसे कैसे करता है ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्या है कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म कोप करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो अगर मान लो कि इस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो गया या यहां बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, तो मेरा बॉडी कैसे कोप करेगा, मेरा बॉडी पसीना स्वेट वी स्वेट प्रोफ्यूजली ताकि मेरे बॉडी का एक इंटरनल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो दिस इज हाउ माई बॉडी रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। क्या है एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर यहां पे टेम्परेचर है। उल्टा केस अगर मान लो बहुत ठंड हो गई तो मेरा बॉडी क्या होगा, मेरा बॉडी शिवर करेगा, मेरा बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा ताकि ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो और हम उस ठंड से कोप अप कर पाए। तो दीज आर द फ्यू रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। तो ऑर्गेनिज्म चार तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, रेगुलेट कंफर्म माइग्रेट एंड सस्पेंड। तो इन चार तरीके से रेगुलेट करता है ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन। तो क्या होता है भाई देखो, तो क्या होता है कि रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल होमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं, जो अपना एक फिक्स इंटरनल होमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं उनको हम रेगुलेटर कहते हैं। मतलब दो चीज काम करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि थर्मो रेगुलेशन करेंगे और दूसरा काम ये करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। तो रेगुलेटर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या, दो कॉम्पोनेंट, थर्मो रेगुलेशन एंड दूसरा कॉम्पोनेंट ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म एक कॉन्स्टेंट ऑस्मोलैरिटी और एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है वो रेगुलेटर है, मतलब वो इंटरनल स्टेट हमेशा बराबर रखेगा। तो अगर हम रेगुलेटर्स की बात करें, ये रेगुलेटर है मेरा, तो ये क्या है, ये इंटरनल लेवल, एक कॉन्स्टेंट इंटरनल लेवल मेंटेन करके रखता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंट। सपोज मान लो मेरा कंडीशन, हम लोग रेगुलेटर्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो मैं मनाली भी गया, मनाली में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी मेरे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर यहीं पे मैं सहारा डेजर्ट चला गया जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो भी मेरे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो हम लोग रेगुलेटर्स है, हम एक कॉन्स्टेंट ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करके रख सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चल लेते हैं। कि अगर मान लो कि टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया तो उनका भी टेम्परेचर उस हिसाब से 0 डिग्री के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया तो उनका भी टेम्परेचर उस हिसाब से हो जाएगा। तो इसको हम कन्फर्मर्स कहते हैं, कन्फर्मर्स जो अपना एक कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल होमियोस्टेसिस नहीं मेंटेन कर पाते हैं उनको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है, ये आलसी लोग होते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई शुरू में तो चलो हम कंफर्म 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 करेंगे और उसके बाद एक पॉइंट के बाद आने के बाद हम रेगुलेट कर लेंगे जब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब इनिशियली दे डोंट मेंटेन अ होमियोस्टैटिक लेवल, मतलब इनिशियली वो जैसे अगर मान लो कि टेम्परेचर कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है तो उनका भी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, बट एक एक्सटेंड तक जाके उसके बाद दे विल स्टार्ट मेंटेनिंग होमियोस्टैसिस, दे विल स्टार्ट मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ ग्राउंड स्क्विरल और ट्री श्रूज, है ना। तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पार्शियल रेगुलेटर होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है एनर्जी अपना बचा के रखते हैं। तो मतलब जब तक कंफर्म कर सकते हैं तो कंफर्म करते हैं, बट जब बात हाथ से निकल जाता है तो फिर वो रेगुलेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका तुम्हारा आ गया कंफर्मर रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर, ठीक है। होमियोस्टेसिस इज द टेक्निक टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। तो इस तरह से आपका डायग्राम आता है, ये डायग्राम आपके लेबलिंग के लिए आ सकता है, कंफर्मर्स का, रेगुलेटर का एंड पार्शियल रेगुलेटर का, कंफर्मर्स का, रेगुलेटर का एंड पार्शियल रेगुलेटर का, ठीक है। तो पहला कॉम्पोनेंट जो आता है दैट इज रेगुलेट। रेगुलेट मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं उनको हम रेगुलेटर कहते हैं। जैसे
दीज ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होमियोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरियल मींस। ठीक है, मतलब मेरे बॉडी के फिजियोलॉजी में चेंज कैसे, सपोज मान लो मैं ठंडी जगह जा रहा हूं तो क्या होगा, मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया। मेटाबॉलिज्म इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हीट प्रोड्यूस हुआ तो मेरा बॉडी गर्म हो गया, या हम शिवर करने लगे, शिवर किए तो हीट प्रोड्यूस हुआ, मेरा बॉडी गर्म हो गया। तो दिस इज हाउ वी रेगुलेट। ठीक है, तो व्हाट वी रेगुलेट कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, एंड कॉन्स्टेंट ऑस्मोलैरिटी जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मतलब मेरे ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर वी ड्रिंक, इट विल बी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इट वॉन्ट एक्सीड टू दैट, इट विल बी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक, अब आते हैं, तो सारे बर्ड्स, मैमल्स एंड अ फ्यू लोअर वर्टिब्रे आर केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, और उनको हम रेगुलेटर कहते हैं। तो जितने बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए एंड अ फ्यू इनवर्टिब्रेट स्पीसीज को आपका वो रेगुलेटर की तरह काम करता है, उसको ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एक कांस्टेंट होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रख पा रहा है तो वो मेरा ऑस्मो रेगुलेटर है। ठीक है, तो कैसे भाई, तो इवोल्यूशन तो आप जैसे कि हम है कि हम बहुत ठंडी जगह में भी सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत गर्म जगह में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट ऑस्मोलैरिटी एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, तो मेरा फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एडवर्सली इफेक्ट नहीं करता। ठीक, चलो अगला क्या आता है कि अब जैसे कि समर में हम क्या करते हैं, समर में हम स्वेट करते हैं जो जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, दे डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, प्लांट्स लैक एनी मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा तो प्लांट मर जाएगा, या बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो प्लांट मर जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द टेम्परेचर कंडीशन एंड दे आर नॉट एबल टू कन रेगुलेट टू दैट कंडीशन। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब मोस्टली 99% ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट और एनिमल्स, आर ऑस्मो कन्फर्मर्स बिकॉज इट इज नॉट इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। मतलब कि ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता क्योंकि हम एटमोस्फेयर के हिसाब से चल लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट होमियोस्टेसिस मेरे बॉडी को बहुत एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स में क्या होता है कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। दिस क्वेश्चन एम्स के असर्शन वाले में आया था आपका, कि ऑस्मो कन्फर्मर्स का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑस्मो रेगुलेटर। ओनली 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। क्यों? क्योंकि दे आर इनर्जेटिकली इनएक्सपेंसिव, मतलब एनर्जी उसमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता टू मेंटेन होमियोस्टेसिस और अ कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, क्यों नहीं सारे ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर बने, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, दे आर इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। अगर ये इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर कई तरह रहते हैं, तो दे कैनॉट अफोर्ड टू स्पेंड सो मच एनर्जी ऑन मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ रीजन, बिकॉज थर्मो रेगुलेशन इज इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। याद रखना, जितना ज्यादा हीट लॉस या जितना ज्यादा हीट गेन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसका ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया है इनकी, मतलब उसको ज्यादा मेहनत लगेगा एनर्जी करने के लिए। ठीक है, तो सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो छोटा एनिमल का क्या है, जितने जो स्मॉल एनिमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने जो स्मॉल एनिमल है उनका सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है वॉल्यूम छोटा है तो इनको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है,
बल्कि बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो उनको कम एनर्जी लगेगा टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, क्योंकि हीट लॉस और हीट गेन इन्वायरमेंट के उतने, जितना बड़ा मेरा सरफेस एरिया होगा हम इन्वायरमेंट के उतने कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो वो चीज यहां पे आता है कि दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड एंड दे हैव टू एक्सपेंड मच मोर एनर्जी टू जनरेट हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए ठंडी जगह पे छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे और गर्म जगह पे आपको बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म कम मिलेंगे। दिस इज इन केस ऑफ बर्ड्स, ये जो एप्लीकेबल है इन केस ऑफ बर्ड्स, और इसको हम कहते हैं बर्गमैन रूल, लास्ट क्लास में हमने किया था, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बर्ड्स एंड दिस रूल इज कॉल्ड बर्गमैन्स रूल, दिस रूल इज कॉल्ड बर्गमैन्स रूल। ठीक है, फीवर में रेगुलेशन का क्या होता है? अगर मेरा बॉडी फीवर है, फीवर भी होम्योस्टेटिस का एक कंपोनेंट है ना। फीवर हम क्यों कराते हैं? फीवर हम इसलिए कराते हैं कि मेरे बॉडी जो बैक्टीरिया है या जो फॉरेन पार्टिकल है उसके लिए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट हो, इसलिए हम फीवर कराते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो एंजाइम है वो डिनेचर करेगा, इसलिए फीवर कराते हैं। तो फीवर इज माई बॉडीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू बूस्ट माई इम्यूनिटी, तो उसके काउंटर पे थोड़ी होम्योस्टेसिस काम करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, तो ये मेरा पॉइंट आ गया, क्या है कि छोटे ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है वो छोटे ऑर्गेनिज्म का सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, तो दे विल टेंड टू लूज हीट क्विकली एंड दे विल टेंड टू गेन हीट ऑल्सो क्विकली। तो इसलिए क्या हुआ कि उनके लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करना इनर्जेटिकली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए बहुत ठंडी जगह पे आपको छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे और बहुत गर्म जगह पे आपको बहुत बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा बर्गमैन्स रूल है कि ठंडी जगह पे जो बर्ड का साइज है, तुम देखोगे पेंगुइन्स, साइबेरियन क्रेन्स, फिर आपका आर्टिक टर्न, फिर उसके बाद आपका आ गया एल्बेट्रॉस, तो ये बर्ड्स का साइज देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड मिल जाता है आपको, स्पैरो मिलता है, इस तरह करके छोटे साइज के बर्ड मिलते हैं। सो ठंडी जगह पे जो साइज है वो बड़ा होगा तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा, और यहां पे ये इसको हम बर्गमैन्स रूल कहते हैं। ठीक है, बाकी तो क्या है कि अब उसके बाद यहां पे ये तो इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन द ऑर्गेनिज्म हैज टू ऑल्टरनेटिव। अब मान लो कि दो कंडीशन है कि कंफर्मर्स हो गया, एक तो रेगुलेटर हो गया, बट अगर मान लो कि कुछ टाइम के लिए उसको कंफर्म करना है या कुछ टाइम के लिए उसको हार्श क्लाइमेट में आना है। सपोज मान लो कि कोई आदमी रहता है जाके पहाड़ पे, ठीक है, तो पहाड़ पे क्या हुआ, दिसंबर से मार्च का टेम्परेचर जो है, दिसंबर से मार्च का टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा है। ठीक है, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म दिसंबर से मार्च तक या तो कहीं गायब हो जाए, सो जाए, या फिर कहीं गर्म जगह पे चला जाए, तो ये दोनों काम कर सकता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट इट्स फंक्शनिंग। अगर आप एक्सट्रीम हार्श कंडीशन थोड़े देर के लिए, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो वी कैन अवॉइड इट बाय टू मैकेनिज्म, एक को हम कहते हैं माइग्रेशन और दूसरे को हम कहते हैं सस्पेंड। ठीक है, तो कैसे वो दो मैकेनिज्म काम करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमने अभी तक देखा कंफर्मर्स, कंफर्मर्स क्या होते थे, दे आर इनर्जेटिकली इनएक्सपेंसिव, इसलिए 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म कंफर्मर्स होते हैं, रेगुलेशन कराने में बहुत एनर्जी लगता है। छोटे बर्ड्स पोलर रीजन में प्रेजेंट नहीं होते, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो पार्शियल रेगुलेटर्स है, पार्शियल रेगुलेटर शुरू में कंफर्मर की तरह काम करेंगे, फिर बाद में आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम वो रेगुलेटर्स की तरह काम करने लगते हैं। चलो आगे आते हैं, जो तीसरा कंपोनेंट हम बता रहे थे कि इन केस ऑफ लोकल स्ट्रेस या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, मतलब टेम्परेचर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उसको कोप करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है इसको हम कहते हैं माइग्रेट। कि मान लो कि अगर एक जगह ठंडी की जगह पे हम लोग हैं, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी 3 महीने के लिए, तो 3 महीने हम कहीं चले जाएंगे, पहाड़ के नीचे आ जाएंगे जहां पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो दो तरह का होता है, एक इमिग्रेशन होता है और एक एमिग्रेशन होता है, अंदर आ रहा है तो इमिग्रेशन, बाहर जा रहा है तो एमिग्रेशन है, अभी हम करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल हैबिटेट इज ओवर।
मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रेसफुल एरिया से कुछ देर के लिए चले जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे जब फिर से स्ट्रेसफुल एरिया खत्म हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका है साइबेरियन क्रेन जो आपका कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में आता है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ साइबेरियन क्रेन उड़ के साइबेरिया, ठंड के टाइम में साइबेरियन क्रेन वहां पे बहुत ठंड हो रही है, तो वो लोग क्या आते हैं यहाँ पे भरतपुर नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क या कियोलाडो नेशनल पार्क जो है बर्ड सेंचुरी है वहां पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग ठंड में रहते हैं उसके फिर चले जाते हैं वहां पे। तो दिस इज वॉट माइग्रेशन इज, मतलब इन ऑर्डर टू कोप अप विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो वहां से कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए छोड़ के आ जाते हैं और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। दिस इज माइग्रेशन, इसमें आपको साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सस्पेंड लास्ट जो कंपोनेंट है, चौथा कंपोनेंट है, दैट इज सस्पेंड। ठीक है, सस्पेंड मतलब कि आप मान लो कि भाई आप जैसे दो ऑप्शन है, अगर मान लो दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं जाके पहाड़ पे चला जाऊं या दूसरा काम करके एसी ऑन करके एकदम मस्त सा सो जाऊं। ठीक है, तो ये सस्पेंड होता है कि भाई हम कहीं नहीं जा सकते, बहुत मेहनत इतना लोड नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे भाई वहीं पे कोई काम धंधा छोड़ के ऐसे पड़े रहेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट सस्पेंड इज। तो दो तरीका का, अगर मान लो बहुत गर्मी हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हम क्या करेंगे भाई हम समर स्लीप कर लेंगे, एस्टीवेशन, गर्मी में एकदम मस्त सा सो जाओ। ठीक है, उसको हम एस्टीवेशन कहते हैं। दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ बीज, स्नेल्स, अर्थवॉर्म, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो ये गर्मी में आराम से सो जाते हैं और पूरा गर्मी सो के निकाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड समर स्लीप। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन कोप करने के लिए विंटर में सो जाते हैं, इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप कहते हैं, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन अवॉइड करने के लिए विंटर में सो जाता है। कैसे भाई, इसका भी एग्जांपल है बी, सर्टेन इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्यू मैमल्स जैसे पोलर बियर हो गया मेरा, वो क्या होता है कि ठंडी में सो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म समर स्लीप शो करते हैं दैट इज एस्टिवेशन, और जो विंटर स्लीप करते हैं उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। कुछ स्पीसीज ऑफ जू प्लैंकटन जो होता है वो क्या करता है कि वो सस्पेंडेड ग्रोथ कर देता है यहां पे। कुछ स्पीसीज ऑफ जू प्लैंकटन का जो स्पीसीज होता है, मेनी स्पीसीज ऑफ जू प्लैंकटन इन लेक्स एंड पॉन्ड एंटर इनटू अ डायपॉज स्टेट या सस्पेंडेड डेवलपमेंट, मतलब उनका कुछ टाइम के लिए डेवलपमेंट रुक जाएगा, एकदम ऐसे ही रह जाएंगे, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डायपॉज या अ रीजन ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और डेवलपमेंट इज कॉल्ड डायपॉज। अ रीजन ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और डेवलपमेंट इज कॉल्ड डायपॉज। तो ये चीज हो गया। तो क्या क्या चीज हुआ भाई, रेगुलेट कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, एंड अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ टाइम के लिए हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म या तो माइग्रेट कर सकते हैं या तो सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड तीन तरीके से कर सकते हैं, पहला एस्टिवेशन, दूसरा हाइबरनेशन, और तीसरा आपका क्या है डायपॉज, डायपॉज इन केस ऑफ जू प्लैंकटन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ आप, बीज हमेशा, अरे भाई बरसात का भी जो टाइम होगा हमेशा नहीं सोएंगे बीज, अगर मान लो कि ऐसे मान लो समर स्लीप है तो गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है तो दिन के टाइम में सो जाएंगे, रात में काम कर लेंगे, है ना, तो उस तरह से वो काम कर लेती है उनके फंक्शनिंग। एनिमल जो एस्टिवेशन शो करते हैं, बीज का एग्जांपल है ना, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों शो कर रहा है। यार तुम लोग जानते हो हम लोग का पढ़ाने का मन खराब कर देते हो आप लोग, यार अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखिए, तभी मैं प्लस प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा आप लोगों को कहता हूँ कि वहां पे हम लोग एटलीस्ट ब्लॉक वॉक कर सकते हैं। आप लोग एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाइए ना, हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे, तो एक थोड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट। बहुत बच्चे हैं यहाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो यू शुड मेक अ क्रिएट अ गुड इन्वायरमेंट फॉर देम, है ना। आपको नहीं करनी क्लास आप मत करो, और जो लोग सिंसियरली क्लास करना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते बच्चे, ठीक है, ये गलत बात है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ आर्यन स्टार्ट कर रहा हूं, चलो अगला आते हैं एडेप्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है तो ध्यान से मेरी बात सुनोगे, एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन, अब मान लो कि हम स्ट्रेसफुल कंडीशन, अभी तो हम कंफर्म रेगुलर सब कर लिए, अब हम मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर हम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं तो हम कैसे एडेप्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या एडेप्टेशन का, पहला आता है कि तीन तरह से एडेप्टेशन हो सकता है। पहला एडेप्टेशन का टेक्निक है मॉर्फोलॉजिकल, हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल।
लॉजिकल एडाप्टेशन, दूसरा है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, हम फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हम फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, और तीसरा है बिहेवियरियल एडाप्टेशन, हम बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बिहेवियरियल एडाप्टेशन, कि अगर हम बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं तो दैट इज बिहेवियरियल एडाप्टेशन। पूछो करिश्मा क्या क्वेश्चन है बाबू। गाइस प्लीज आप उसे मत चढ़िए, कॉन्सेंट्रेट किए, चैट बंद कर दो, चैट कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं चैट आपका चाहिए, आप बंद करके केयरफुली लेसन लेसन को देखो, आपके लिए इतना हेल्पफुल हो जाएगा ना, आप समझो आपको एक डॉक्टर यहां पढ़ा रहा है, इस चीज को आप रियलाइज नहीं कर रहे, थोड़ा तो इज्जत रखो मेरा यार, है ना। चलो सुनो मत डिस्ट्रैक्ट करो यार मुझे, चलो आगे, तो ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरियल एविडेंस है, तीन तरह से एडाप्टेशन होता है। तो पहले हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी, मेरा स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज आ गया तो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो गया। तो कैसे दिखता है, तो हम क्या करते हैं, यहां क्या कहें कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म बहुत गर्म जगह पे है, जैसे मान लो कोई प्लांट है मेरा, कोई प्लांट है मेरा, ये बहुत गर्म जगह पे है, तो ये क्या करेगा, जीरोफिटिक प्लांट, मेरा जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं वो कैसे अडैप्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहला अपना क्यूटिकल को थिक कर लेते हैं, दे क्रिएट अ थिक क्यूटिकल ताकि ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस ना हो। दूसरा कंपोनेंट क्या करते हैं, अपने स्टोमाटा को अंदर दबा देते हैं, इसको हम कहते हैं शंकन स्टोमाटा, शंकन स्टोमाटा, स्टोमाटा को अपने अंदर घुसा लेते हैं ताकि स्टोमाटा मतलब कि ज्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो। तीसरा क्या करते हैं, ये कैम पाथवे फॉलो करते हैं, आप लोगों को मैं फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा कैम पाथवे क्या होता है, इसको हम क्रुसेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है, मतलब प्लांट स्टोमाटा अपना रात में खोलता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, ताकि दिन में अगर स्टोमाटा खोलेगा तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो इन ऑर्डर टू कोप अप विद वाटर लॉस प्लांट कुछ इस तरह से काम करते हैं, दे क्रिएट अ थिक क्यूटिकल, शंकन स्टोमाटा कर देते हैं या कैम पाथवे फॉलो करते हैं। चौथा केस है इन केस ऑफ अपुंशिया, अपुंशिया में क्या होता है, फिलोक्लेट स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि द लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइंस, अपुंशिया में क्या होता है, लीव जो होते हैं वो स्पाइंस के फॉर्म में जाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन एंड स्टेम बिकम्स थिक एंड फ्लेशी। तो इस तरह से जीरोफिटिक प्लांट कोप करते हैं। तो दीज ऑल चेंजेस, थिक क्यूटिकल, शंकन स्टोमाटा, कैम पाथवे एंड अपुंशिया के केस में जो स्टेम थिक और फ्लेशी हो जाता है, दीज स्ट्रक्चर्स आपका क्या करता है, ये स्ट्रक्चर आपका वाटर एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट कराता है। ठीक है, तो इस तरह से ये शंकन स्टोमाटा, कैम पाथवे और ओपुंशिया, ये इस तरह से आपका काम करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है, तरीका अपने आप को अडैप्ट करने के लिए एक फिनोमिना ऑर्गेनाइज करता है, इसको हम कहते हैं मिमिक्री। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन पहले आता था नीट और एम्स में, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मिमिक्री क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कॉपी करता है, तो दो तरह का मिमिक्री होता है, एक होता है बेटशियन मिमिक्री और दूसरा होता है म्यूलेरियन मिमिक्री। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक होता है बेटशियन मिमिक्री और दूसरा होता है म्यूलेरियन मिमिक्री। बेटशियन मिमिक्री में क्या होता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कॉपी कर रहा है, मतलब एक कोई डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई एक पॉइजनस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन पॉइजनस है, ठीक है, बट इन ये जो नॉन पॉइजनस वाला है ये पॉइजनस वाले को रिजेंबल करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल होता है मेरा एक मोनार्क बटरफ्लाई होता है, ये मोनार्क बटरफ्लाई क्या होता है, बहुत डिस्टेस्टफुल होता है, बहुत खराब टेस्ट होता है इसका खाने में, हम नहीं खाए, बट क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज पे वो कैलोट्रोपिस वीड या पॉइजनस वीड को खाता था, इसलिए उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो अगर मान लो कोई बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को वो क्या कहते हैं को रिजेंबल करेगा, तो ऑर्गेनिज्म को लगेगा, प्रीडेटर को लगेगा कि यार ये तो खराब टेस्ट वाला है, इसको नहीं खाते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है मोनार्क बटरफ्लाई एंड वॉइसरॉय बटरफ्लाई। इसमें मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है
ये डिस्टेस्टफुल होता है। मोनार्क लिख लो बाबू, जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है ये डिस्टेस्टफुल होता है, वॉइसराय बटरफ्लाई जो होता है ये डिस्टेस्टफुल नहीं होता। और वॉइसराय बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करता है कलर, सेम कलर पैटर्न रहता है उसका मोनार्क बटरफ्लाई का, मतलब यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइसराय एंड मोनार्क बटरफ्लाई। तो प्रीडेटर को लगता है भाई इसका भी टेस्ट खराब होगा और इसको नहीं खाता। तो इस तरह के मिमिक्री को हम बेट्सियन मिमिक्री कहते हैं, याद रखो, इस तरह के मिमिक्री को हम बेट्सियन मिमिक्री कहते हैं। मतलब जब एक पॉइजनस या अनपैलेटेबल स्पीसीज दूसरे पैलेटेबल स्पीसीज को रिकमेंड को वो मतलब मिमिक करता है या कॉपी करता है तो इसको हम बेट्सियन मिमिक्री कहते हैं। दूसरा जो मिमिक्री होता है इसको हम कहते हैं म्यूलेरियन मिमिक्री। म्यूलेरियन मिमिक्री में क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज जो पॉइजनस है और दूसरा स्पीसीज जो पॉइजनस है, दोनों एक कोड रख लिया। जैसे नहीं होता कि डेंजर साइन देखोगे तो हमेशा लाल कलर का होगा, तो अगर मान लो कोई दो पॉइजनस सांप है या दो वैरायटी ऑफ पॉइजनस सांप है, दोनों अपना कलर रखा कि भाई मेरा दोनों का कलर गोल्डन रहेगा, ठीक है, तो लोग को पता चल जाएगा दूर से कि ये वाला पॉइजनस इसको छेड़ना नहीं है। तो ड्रेस कोड समझ लो एक तरह से। तो इस तरह को हम म्यूलेरियन मिमिक्री कहते हैं। मतलब टू पॉइजनस स्पीसीज और दोनों का कलर आपस में रिजेंबल है ताकि म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिट होगा उसको, ठीक है, कि उसको भी ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर देखेगा तो उसको नहीं छुएगा, उसको भी प्रीडेटर देखेगा तो उसको नहीं छुएगा। इस तरह के मिमिक्री को हम म्यूलेरियन मिमिक्री कहते हैं। तो याद रखना, अब म्यूलेरियन मिमिक्री क्या हो रहा है, टू पॉइजनस स्पीसीज, ठीक है, टू पॉइजनस स्पीसीज और दोनों अपने आप को रिजेंबल कर रहा है। दोनों पॉइजनस स्पीसीज अगर अपने आप को रिजेंबल कर रहा है तो इसको हम म्यूलेरियन मिमिक्री कहते हैं। जो खास करके आता है कि डार्क कलर पैटर्न या जो ब्राइट कलर पैटर्न वाला जो तुम्हारा सांप होता है वो सब क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं म्यूलेरियन मिमिक्री। दिक्कत है तो बताओ, बेट्सियन और म्यूलेरियन मिमिक्री में दिक्कत है तो बताओ। क्या हुआ हितेश यार, इतना ऊपर चैट पढ़ा नहीं जाता ना फिर। ठीक है चलो, तो ये है तुम्हारा म्यूलेरियन और बेट्सियन मिमिक्री, याद रखना, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो ट्रेंड फॉलो करता है इसको हम कहते हैं केमोफ्लैग। केमोफ्लैग मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ड्वेल कर देंगे या इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। जैसे मान लो पत्ता का कलर हरा है तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस कलर में चिपक जाएगा या उस कलर का अपने बॉडी का कलर हो जाएगा ताकि प्रे या प्रेडेटर उसको देख नहीं पाए। इसका एक एग्जांपल जो बहुत फेमस एग्जांपल है इसको हम कहते हैं प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस, ठीक है, ये प्रेइंग मैंटिस क्या होता है, एकदम मस्त ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, ऐसे खड़ा रहेगा छोटू सा, ठीक है, और अगर मान लो प्रे सामने भी आ रहा है, प्रीडेटर उसके सामने भी है तो भी वो हिलेगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि प्रीडेटर उसको देख नहीं पाएगा। जब तक वो मूवमेंट नहीं शो कर रहा प्रीडेटर उसको देख नहीं पाएगा, इतना ज्यादा वो इन्वायरमेंट में ड्वेलिंग कर जाता है, इतना ज्यादा वो केमोफ्लेज कर जाता है कि प्रीडेटर उसको देख ही नहीं पाता। इसको हम प्रेइंग मैंटिस इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा अभी फिजियोलॉजिकल फेज में, प्लांट क्या करता है, या तो थिक क्यूटिकल लगा लेता है या शंकन स्टोमाटा कर लेता है या कैम पाथवे फॉलो कर लेता है या ओपुंचा वाला एग्जांपल देख लिए। दूसरा क्या करता है, मॉर्फोलॉजिकल में आ गया, मिमिक्री आ गया, केमोफ्लेग आ गया। मिमिक्री दो तरह का है, बेट्सियन मिमिक्री एंड म्यूलेरियन मिमिक्री। बेट्सियन मिमिक्री में क्या हुआ कि अगर एक नॉन पॉइजनस वाला पॉइजनस को रिजेंबल कर रहा है डराने के लिए प्रीडेटर को, तो वो मेरा आ गया बेट्सियन मिमिक्री। म्यूलेरियन मिमिक्री में क्या हुआ, दो पॉइजनस स्पीसीज है दोनों सेम कलर रख लिया ताकि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो और प्रीडेटर से दूर रहे, तो दैट इज म्यूलेरियन मिमिक्री। भूलना मत, ये दोनों आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने पढ़ाया आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, अब आते हैं दूसरा क्या फंक्शन करता है। अब क्या हो गया कि एब्सेंस ऑफ, अब यहां पे एक एग्जांपल है कंगारू रैट का। कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए सब इंपॉर्टेंट है। तो कंगारू रैट क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है, वहां पे उनका क्या है कि वाटर नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ वाटर ये क्या करता है, ये उसके बॉडी में जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ये क्या करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है जिसकी वजह से वाटर प्रोड्यूस होता है और इस वाटर को वो यूटिलाइज करता है। तो बाय इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड इट यूटिलाइजेस वाटर अंडर हार्श कंडीशन जब वाटर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा क्या होता है, इसका यूरिन आउटपुट भी बहुत कम होता है, बहुत कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, ये बहुत कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है ताकि वाटर लॉस फॉर एक्सक्रीशन भी कम होगा। तो ये एग्जांपल है कंगारू रैट का, ये आपको पढ़ना है।
दूसरा क्या है कि प्लांट के पास थिक क्यूटिकल बताया मैंने अभी टू प्रोवाइड प्रिवेंट वाटर लॉस, फिर स्टोमाटा अरेंज इन डीप पिट्स ये भी मैंने बताया था शंकन स्टोमाटा के लिए, और तीसरा आ गया आपका कैम पाथवे, कैम पाथवे भी बताया था स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हम रात में करते हैं, रात में स्टोमाटा खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशनल लॉस कम हो। चौथा मैंने बताया था ओपुंचिया में लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइंस ताकि ट्रांसपिरेशन यहां पे भी कम हो। ठीक है, प्लांट के पास कुछ प्रोटीन्स भी होता है जो बहुत हेल्प करता है। पहले प्रोटीन का नाम है प्रोलिन, ये भी क्वेश्चन एम्स में आपका आया हुआ था। प्रोलिन क्या करता है आपका, प्रोलिन आपका ऑस्मोटिक और वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। प्रोलिन मेंटेन्स द ऑस्मोटिक एंड वॉटर पोटेंशियल, इट मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक एंड वॉटर पोटेंशियल। दूसरा क्या है, दूसरा हम कहते हैं चैपेरोनिंस, चैपेरोनिंस को हम हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख लेना। ठीक है, चैपेरोनिंस ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट ये एम्स के एग्जाम में आया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैपेरोनिंस आर हीट शॉक प्रोटीन, दे आर हीट शॉक प्रोटीन। तो अगर एक एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में या जीरो फिटिक कंडीशन में कोई प्लांट है तो उनके पास चैपेरोनिंस होगा जो एडवर्स हीट से कोप कराएगा प्लांट को, एडवर्स हीट से कोप कराएगा प्लांट को। ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसको आप अपने एनसीईआरटी में लिख लो या यहां से टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं एलेंस रूल, हमने किया था कि मैमल्स अगर ठंडी जगह पे, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्ब, मतलब जो उनका एक्सपोज एक्सट्रीमिटीज है वो छोटा होगा ताकि वो हीट लॉस को मिनिमल कर पाए। इस तरह के रूल को हम एलेंस रूल कहते हैं, मतलब कि ठंडी जगह के ऑर्गेनिज्म का कान और हाथ छोटा होगा। ठीक है, और क्या होता है कि पोलर बियर या सील या वॉलरस में क्या होता है कि खूब सारा लेयर, थिक लेयर ऑफ फैट होता है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो देखो, तो एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर बिलो देयर स्किन दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस बॉडी हीट। तो दीज आर सर्टेन मैकेनिज्म जिससे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से अडेप्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म, जिससे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जितने अभी तक हमने अडेप्टेशन देखे ये सारे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरियल एडाप्टेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरियल एडाप्टेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला, तो अगला फिर क्या आता है, अब आते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन टू अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगला आते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन टू अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब मान लो कि मैं गया पहाड़ पे घूमने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है जब आप ट्रैक वेक पे कभी कोई लोग गए होंगे, लेह लद्दाख गया वहां पे ट्रैक पे, तो पहले दिन आपको बोलते हैं कि आप एक्लमेटाइज करो, है ना। एक्लमेटाइज मतलब कि आपको कुछ नहीं, पहले दिन कोई काम नहीं करने देते, लेह पे पहले दिन जाके दौड़ के आओ, मर के आओगे वापस क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशियंट हो जाओगे। तो क्या होता है जब हम कहीं पहाड़ पे जाते हो तो जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाता है। अगर मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा हमको पता है तो हीमोग्लोबिन के साथ उसका बाइंडिंग एफिनिटी कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम है तो मेरे बॉडी के पास जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो कम पहुंचेगा, तो इसकी वजह से हमको नॉजिया और वॉमिटिंग का फीलिंग आता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब कि जब हम पहाड़ या ठंडी जगह पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, ड्यू टू दिस डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हमको नॉजिया और वॉमिटिंग का फीलिंग आता है जिसको हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, और मेरा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, नॉजिया फटीग वॉमिटिंग एंड हार्ट बीट बढ़ जाता है, इसको हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। एंड विथ टाइम मेरा बॉडी कोप अप कर लेता है, कोप अप कैसे करता है, मेरा बॉडी हार्ट बीट बढ़ा देता है, आरबीसी का काउंट बढ़ा देता है। तो अगर मान लो अमाउंट ऑफ आरबीसी हम ज्यादा बढ़ा दिया, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हम बॉडी में ज्यादा कर लिए तो क्या होगा, बाइंडिंग फिर से ठीक हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ा दिए तो पंपिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन मेरे बॉडी को पहुंचने लगेगा। तो ये मेरा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया टू कोप स्ट्रेसफुल सिचुएशन। समझ में आया? ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप अप करना चाहते हैं तो बाय फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बॉडी क्या कर रहा है कि
कि बॉडी ऑक्सीजन डिफिशियंसी को रेगुलेट करने के लिए आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ा दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या किया, हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ाने के बाद फिर क्या किया वो, उसके बाद आपके बॉडी में लो ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए, लो ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया। तो ये वाला पॉइंट करके इसको हम फिजियोलॉजिकल तरीका कहते हैं जिससे हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप कर सकते हैं। हाँ जी, अगर कुछ टाइम में हमेल पे रहते हैं तो बॉडी अडाप्ट इसलिए कर लेता है क्योंकि तब तक क्या हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ गया, हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ गया तो फिर बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ठीक हो जाता है, सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो जो भी पहाड़ी लोग होंगे उनके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन काउंट होगा हम लोग से ज्यादा होगा, है ना। तो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना वर्क्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कुछ बहुत सारे फिश होते हैं एंटार्क्टिक वाटर में जिनके पास एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है, इनके पास एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है जो इनके ब्लड को फ्रीज नहीं करने देते। ये अगेन एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। यहां और कुछ कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो थर्मल वेंट मतलब एकदम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास थर्मोस्टेबल इंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं और उनके एक स्ट्रिक्ट थरो थिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो हैम्पर नहीं हो पाता। तो ऑर्गेनिज्म कैन कोप अप इन एडवर्स कंडीशन बाय अडैप्टिंग थ्रू फिजियोलॉजिकल मींस, क्या है, इनके पास एक स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होगा जो प्रोटीन इनको फ्रीज करने से या ठंडे होने से बचाता है, राइट। प्रोलिन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, ठीक है। अब क्या है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश दैट लिव एट ग्रेटर डेप्थ इन ओशन वेयर प्रेशर कुड बी 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर दबा के अगर रखेंगे तो भी ऑर्गेन को डैमेज नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो पोरस ऑर्गेनिज्म नहीं रहने थे, ठीक है। इट मेक्स द स्ट्रक्चर वेरी कॉम्पैक्ट, जो इनवर्टिब्रेट जो नीचे ग्राउंड में रहते हैं उनको कॉम्पैक्ट रख के रखते हैं स्ट्रक्चर, मतलब उनका लंग्स जो है वो नॉन कोलैप्सेबल होगा, मतलब कि प्रेशर से भी लंग्स उनका कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो डीप रहते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम कॉम्पैक्ट होगा, वो सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन लेके जाते हैं। जैसे वेल अगर मान लो नीचे जा रही है गोता लेने के लिए तो वो क्या होता है, सफिशियंट अमाउंट में लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर करके जाती है ताकि उनका लंग्स कोलैप्स नहीं करे ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये भी हाई प्रेशर में इसीलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं, एंड दे हैव सर्टेन स्पेशल एंजाइम्स आल्सो जो हेल्प करता है हाई प्रेशर को कोप अप करने के लिए, ठीक है। अगला आते हैं आपके लिजर्ड्स के केस में या बिहेवियरल चेंज। अभी तक हमने देख लिया आपका कौन सा, एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज देख लिया, एक देख लिया फिजियोलॉजिकल चेंज, अब लास्ट आते हैं आपका बिहेवियरियल चेंज, बिहेवियरियल रिस्पॉन्स कैसे काम करता है। तो बिहेवियरियल रिस्पॉन्स में मेरा आ गया पहला, एक आता है आपका डेजर्ट लिजर्ड्स। डेजर्ट लिजर्ड्स के केस में क्या होता है कि अब ये मतलब अब बेचारा स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना उसका मॉर्फोलॉजी ऐसा कुछ बना हुआ है ना फिजियोलॉजिकल बना है, ठीक है। तो ये क्या करता है डेजर्ट लिजर्ड आपका, कि गर्म जगह पे जब जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर हीट है तो वो क्या होगा कि शेडी पोजिशन में चला जाएगा, शेडी प्लेस पे चला जाएगा, ठंडी जगह चला जाएगा, और जब अगर कोल्ड है तो क्या होगा, दे विल बास्क इन सन, धूप में जाके बैठ जाएगा। तो जब ये सन में बास करेगा धूप में जाके बैठेगा तो उससे गर्मी एक्वायर करेगा और ये सर्वाइव कर लेगा। तो इस तरह से काम करता है, इस तरह के रिस्पॉन्स को हम बिहेवियरियल रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें डेजर्ट लिजर्ड होता है जहां पे हाई टेम्परेचर पे वो काम करता है, और उसके बाद हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ कि वो हाई टेम्परेचर पे शेड में चला जाएगा और लो टेम्परेचर पे वो गर्म जगह पे फिर से वापस धूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा बिहेवियरियल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पे। अब आते हैं पॉपुलेशन, हम लोग बस पॉपुलेशन करके आज खत्म कर देंगे क्लास, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आपका कैसे काम करता है, एट्रीब्यूट होता है आपका लक्षण, ठीक है। पॉपुलेशन का क्या क्या फिनोमिना है या क्या क्या सिनारियो है वो सिनारियो हम देखते हैं, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या काम करता है।
तो पॉपुलेशन क्या है? देखो, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंस है जो आपका पूछ सकता है। पहला क्या है कि इंडिविजुअल का बर्थ होता है, इंडिविजुअल का बर्थ होता है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है, इंडिविजुअल का डेथ होगा, पॉपुलेशन का डेथ रेट होगा। ठीक है, तो तीन बेसिक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हम देखते हैं, पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट और तीसरा सेक्स रेशियो। ठीक है, ये तीनों का डेटा आपके एग्जाम में नहीं आएगा और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है वो 2001 सेंसस का है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में 2011 सेंसस का डेटा दिया है, तो इसलिए ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट और डेथ रेट अभी जो करेंटली चल रहा है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ करेंट वैल्यू ऑफ आर आपके एग्जाम में आ सकता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में, तो आप पॉपुलेशन, यहां पे देखो, पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में वो एट्रीब्यूट नहीं होगा जो पॉपुलेशन में है। इंडिविजुअल में बर्थ और डेथ हो सकता है, पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होगा। कैसे निकालेंगे हम बर्थ रेट? तो बर्थ रेट मेरा हो गया नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल इंडिविजुअल। ठीक है, तो बर्थ रेट हो गया नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल इंडिविजुअल, डेथ रेट हो गया नंबर ऑफ डेथ बाय टोटल इंडिविजुअल। तो बहुत आसान होता है बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में ये होता है बर्थ रेट और डेथ रेट। जैसे मान लो कि 20 लोटस प्लांट था, उसमें से उसमें से नया कितना 8 लोटस प्लांट ऐड हो गया, तो क्या हो गया 8/20 कर दिए, 0.4 हो गया इसका बर्थ रेट। सेम केस कि 4 फ्रूट फ्लाई मर गया आउट ऑफ 40, तो डेथ रेट इसका क्या हो गया 0.1। तो ये इस तरह से हम बर्थ रेट और डेथ रेट निकाल सकते हैं। दीज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तीसरा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। ये सेक्स रेशियो जो है मेरा, ये तीसरा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर गलती से आ जाता है तो मोस्ट पॉपुलर स्टेट मेरा हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, वैसे आएगा नहीं। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हो गया बिहार, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरला में और सबसे कम लिटरेसी रेट है आपका बिहार में। ठीक है, ये बेसिकली मतलब सबसे अच्छा अच्छा पूछे तो केरला डाल देना, खराब खराब पूछे तो बिहार डाल देना, वैसा ही है मतलब जो लॉजिक है अभी फिलहाल। ठीक है, और कोई बिहार वाले ऑफेंड मत होना, मैं भी बिहार से हूं, टेंशन मत लो। आगे ठीक है, तो क्या हुआ कि बर्थ रेट और डेथ रेट और सेक्स रेशियो, ये तीन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होता है। एंड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरे को हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो तीन तरह का फेज होता है मेरा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, यहां देखो, अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज का नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव का उससे कम और पोस्ट का उससे कम, ये वाला मेरा पोस्ट है, ये वाला मेरा रिप्रोडक्टिव फेज है और ये वाला मेरा प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज का नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव का उससे कम है और पोस्ट का सबसे कम है, तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इट विल बी ट्रायंगुलर इन शेप। इसका एग्जांपल हो गया मेरा इंडिया, हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म का आबादी सबसे ज्यादा है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म का आबादी सबसे ज्यादा है, तो इस तरह के पॉपुलेशन को हम एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं, जिसका एट्रीब्यूट इंडिया हो जाएगा। ठीक, इसका शेप याद है, शेप क्वेश्चन में आता है, तो ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेज का जो आबादी है वो सेम रहेगा। स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव शेप का जो आबादी है वो सेम रहेगा। एंड इसका जो शेप पिरामिड का होगा दैट विल बी बेल शेप, इसका जो शेप होगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का दैट विल बी
वेल शेयर्ड एंड स्टेबल पॉपुलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा चाइना, ठीक है, चाइना इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। तो अगर स्टेबल पॉपुलेशन है मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों का आबादी अगर सेम है तो वो स्टेबल पॉपुलेशन एट्रीब्यूट शो कर रहा है एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना। तीसरा जो है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग में क्या हो गया कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है, ये जो मेरा प्री रिप्रोडक्टिव है इसका आबादी सबसे कम, रिप्रोडक्टिव का सबसे ज्यादा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का कम, तो ये एक वेसल जैसा शेप बना दिया है ना, घड़ा जैसा शेप बना दिया। तो इस तरह की आबादी को हम कहते हैं अर्न शेप्ड, है ना, वेसल शेप्ड या अर्न शेप्ड होता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा जापान, ठीक है। तो ये तीन पॉपुलेशन टाइप या पॉपुलेशन कर्व है इसको, या पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं, तीन तरह का होता है। तो ये या तो ग्रोइंग है एक्सपेंडिंग, या स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। एक्सपेंडिंग का एग्जाम्पल आ गया मेरा क्या, एक्सपेंडिंग का एग्जाम्पल आ गया मेरा इंडिया, स्टेबल का एग्जाम्पल आ गया आपका चाइना, और डिक्लाइनिंग का एग्जाम्पल आ गया जापान। तो ये शेप ऑफ द पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हाँ ठीक है, अब आते हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है हमको ये बताता है कि स्टेटस ऑफ हैबिटेट उसका वहां पे कितना है, मतलब कि अगर किसी का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, ठीक है, अभी पॉपुलेशन साइज पे हम बात करेंगे, पॉपुलेशन साइज क्या सिग्निफाई करता है। अगर किसी का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है तो वो ये बता रहा है कि उसका स्टेटस कैसा है, स्टेटस ऑफ हैबिटेट कैसा है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई बता रहा है कि उसका पॉपुलेशन साइज कैसा है तो वो स्टेटस ऑफ हैबिटेट डिफाइन कर रहा है उसका, ठीक है। तो अगर हम पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी एक ही चीज बात होता है। तो अगर हम पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हमेशा याद रखना कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये चीज अभी बहुत ध्यान से सुनना, दो मिनट अभी मेरी बात, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड नहीं होता, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास इन अ गिवन यूनिट एरिया, ठीक है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, टोटल बायोमास इन अ गिवन एरिया, हमेशा याद रखना, इसको गड़बड़ मत करना, बायोमास इन अ गिवन एरिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास इन अ गिवन एरिया, ठीक है। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल हम देखें कि एक ग्लास एक लेक है, ठीक है, एक लेक में खूब सारा मिलियंस ऑफ क्लमाइडोमोनास है, वही उसी लेक के साइड में एक बैनियन का ट्री है, तो मेरा ऐसा थोड़ी है कि क्लमाइडोमोनास का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और बैनियन ट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑल्सो ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज डिपेंडेंट ऑन देयर बायोमास ऑल्सो। तो हम लोग कभी भी जब पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे तो हम सिर्फ नंबर नहीं लेंगे, हम उसका बायोमास भी लेंगे। और हर केस में एक और पॉइंट है, हर केस में हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं लेते, हम किसी किसी केस में आपका वो भी ले लेते हैं, हम किसी किसी केस में आपका रिलेटिव डेंसिटी भी ले लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन विथ कंपैरिजन टू अदर पॉपुलेशन। तो किसी किसी केस में हम रिलेटिव डेंसिटी भी आपका ले लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी के केस में हम क्या बात करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी अगर मान लो बात करें, तो जैसे अगर मान लो कि नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज अ गुड इनफ मेजर फॉर टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ फिश क्रॉप, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई एक लेक है, उस लेक में जो फिश सबसे ज्यादा ट्रैप में आ रहा है, अगर मान लो मैंने जाल बिछाया, ठीक है, इसमें 10 रेहू आ गया, 2-3 कतला आ गया, ऐसे ऐसे अलग अलग फिश का वैरायटी आ गया, तो हमको ये पता चल जाएगा उस लेक में कौन से फिश का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। या जैसे टाइगर सेंसस में हम करते हैं, टाइगर सेंसस में हम क्या करते हैं, टाइगर सेंसस जो मेरा नेशनल पार्क में है, तो वहां पे हम पग मार्क्स, उसके पंजे के निशान और फीकल पैलेट्स, कितना पॉटी का वो जो फीकल का पैलेट्स है वो देख के हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि उसका टाइगर का आबादी कितना है। अगर मतलब नंबर ऑफ पग मार्क्स बढ़ गया तो मतलब टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ फीकल मैटर बढ़ गया तो भी टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लें, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट ओनली एन एट्रीब्यूट ऑफ इस नंबर, सिर्फ नंबर से नहीं होता, हम उसका बायोमास भी लेते हैं, और कभी कभी
हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी के बदले रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी के बदले रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हो गया आज खत्म। तो आज हम लोग क्लास इतने में ही खत्म करेंगे गाइस, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्लास आज खत्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको पता है कहां मैसेज करना है मुझे, आप मुझे यहां मैसेज कर सकते हैं unacademy.com/user/anandsir01 पे, ठीक है गाइज। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा हमारा ये आज का सेशन, ठीक है। बिल्कुल कमेंट में लिखना आपको एनसीईआरटी रिव्यू पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, या मैं उसमें कुछ और एडिशन करूं या नहीं करूं, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस पे कमेंट करना, और इतना ही आपको पढ़ना है। ये मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कर रहा हूं, इससे ज्यादा आपको एक लाइन नहीं पढ़ना। तो खास करके इस तरह के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इकोलॉजी वाला यूनिट हो गया, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन हो गया, माइक्रोस हो गया, हम इनको एनसीईआरटी रिव्यू के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपकी क्लासरूम में आपको सारा कंटेंट याद हो जाए, ठीक है। मैं 2-3 बार बोलूंगा आपको, 3 बार तो एनसीईआरटी में आपको यहां क्लास में पढ़ा दिया आपने, एक बार आप घर से आगे पढ़ लेंगे तो आपका 4 एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा। और आपको लाइन बाय लाइन पता होगा एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन क्या है, और जो एनसीईआरटी के कॉम्प्लिकेटेड लाइन है मैं उनको आपके लिए डिकोड कर रहा हूं यहां पे एनसीईआरटी रिव्यू में, ठीक है। तो कमेंट करना नहीं भूलना है आपको, आपको कमेंट करना है आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। लाइक तो करोगे, थोड़ा मेहनत अपने एंड से भी करो। तो आपको कमेंट करना है आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। आप लोग टाइम पे अगर क्लास 4-7 बजे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, एकदम टाइम पे हम 1 घंटे इसको प्रोडक्टिव सेशन बनाते हैं, ठीक है। और कोई भी लोग ऐसे जो मतलब टाइम पास करने के लिए आए, आप उनको एंटरटेन ही नहीं करो, रिप्लाई नहीं करो, वो अपने आप चले जाएंगे, है ना। वी हैव टू क्रिएट एन हेल्दी स्टडिंग एटमॉस्फेयर हियर, हमें यहाँ पे नीट में सिलेक्शन करना है, हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए, राइट गाइज। तो चलो ठीक है, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। कल सुबह मैं ETC डिस्कस करने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा दो, तो कल सुबह हम लोग ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो ऑल यू हैव टू डू इज मेक योर डे वेरी प्रोडक्टिव। और आप अगर प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकते तो प्लस प्लेटफॉर्म पे आए, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड आनंद 10, ठीक है गाइस। चलो फिर कल मिलते हैं, फिर टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।